जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। हे रघुनंदन, हे श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शरणागत मानकर मेरी रक्षा कीजिए। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं। दशमी तिथि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की बहुत विशेष दिन होता है यह। दशमी तिथि का मतलब होता है दशहरे का दिन माना जाता है। दशहरा, और इस दिन ऐसा कहा जाता है कि यह यमराज का दिन है, दशहरे का दिन। तो इस दशमी को धर्मराज दशमी कहा जाता है। ग्रंथ जो है विष्णु धर्मातर ग्रंथ, इसमें बताया गया है कि जिनके परिवार में ज्यादा बीमारियां होती हो, जल्दी जल्दी परिवार में मौतें होती हो, उन लोगों को शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन, क्योंकि दशमी तिथि के स्वामी यमराज हैं, तो दशमी तिथि के दिन भगवान धर्मराज यमराज का मानसिक पूजन करना चाहिए, और हो सके तो आहुति देना चाहिए। एक दिन पहले से हवन की छोटी सी व्यवस्था कर लें, घी से ही आहुति देना है, केवल घी से। इससे आपको दीर्घायु मिलती है, आरोग्य मिलता है और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। विष्णु धर्मातर ग्रंथ में बताया गया है कि आहुति डालते समय आपको ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम धर्म राजाय नमः स्वाहा, ओम मृत्युवे नमः स्वाहा, ओम अंतकाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ये पांच मंत्र बोलते हुए घी से आहुति देना है। और संक्षिप्त हवन का अवश्य करें। शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन चैत्र मास का महीना। दोबारा से बोल देता हूं, रहस्यमय ज्ञान से इतना सा है कि जिनके घरों में बीमारियां बहुत ज्यादा आ गई है पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार, या घरों में जल्दी जल्दी मौतें होती हो, हर साल एक मौत होने लग जाए या हर दो साल में एक मृत्यु होने लग जाए, तो ऐसे मनुष्यों को सिर्फ एक दिन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि चैत्र महीने की, इस दिन यमराज जी के नाम से, धर्म राजाय के नाम से आपको ये पांच घी की आहुति देना है। सब परिवार के सभी सदस्य मिलकर के दें, और जो आहुति नहीं देता हो वो नमः बोले। तो काफी कुछ हद तक आपको इसका फायदा देखने को अवश्य मिलेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम धर्मराजाय नमः स्वाहा, ओम मृत्युवे नमः स्वाहा, ओम अंतकाय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ये पांच मंत्र जो है, ये पांच मंत्र यमराज जी के मंत्र हैं। तो उनके नाम से घर के बाहर संक्षिप्त घी से
देशी घी वो भी गाय का घी हो, उससे हवन अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।